subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel। मध्य प्रदेश सागर देवरी क्षेत्र के चरबुआ पंचायत के ग्राम करोद आई में बना स्कूल जर्जर स्थिति में है। आपको बता दें कि स्कूल में बच्चों की दर संख्या 33 है। स्कूल का हाल यह है कि स्कूल का भवन दरारों में तब्दील हो गया है। छप्पर से आए दिन परतें गिरती रहती हैं, जिससे बच्चों की जान पर बनी हुई है। बरसात के दिनों में स्कूल भवन में बैठकर शिक्षा लेना दूभर हो गया है। मामले को लेकर प्रधानाध्यापक रामेश्वर लोधी से जानकारी पर उन्होंने बताया कि 2 वर्ष हो गए ऐसी स्थिति बनी हुई है। पीआरसी को 2 बार लिखित आवेदन देकर जर्जर स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया है, मगर आश्वासन मात्र मिला, निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। वहीं स्कूल में हैंडपंप लगा था, बिगड़ने पर शिकायत की गई तो पीएचई विभाग द्वारा हैंडपंप सुधारने की बजाय पूरा हैंडपंप नल उखाड़ कर ले गए। अब स्कूल के बच्चों को पीने के पानी के लिए करीब 300 मीटर दूर लगे ग्राम के नल पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। आप यहाँ किस पद पे हैं? भारी प्रधानाध्यापक जी। आपके स्कूल की जो स्थिति जर्जर है, ये कितने समय से है? लगभग 2-3 साल से है। आपने उच्च अधिकारियों को लिख के नहीं दिया? दिया है, पीआरसी में तो दिया है। बरसात के समय बच्चों के साथ ये घटनाएं तो नहीं हुई कुछ? अभी तो नहीं हुई है कुछ, ईश्वर की कृपा से। ये क्या है, पूरे जर्जर स्थिति में है वो छप्पर अप्पर बरसात में? बरसात में रिश्ता है पूरा, पूरा छत पे से टप टप टप, विशेष तेज स्थिति में जब तक पानी बारिश होती है जी। और उसके बाद 1-2 दिन बाद तक ऊपर भरा रहता है। क्या है, अपन तो ऊपर गए नहीं कभी, मतलब हादसे का डर बना रहता है हमेशा, लेकिन जर्जर स्थिति में है बिल्डिंग, ऐसा तो लगता है। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय चैनल।